वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सरब्रम के पार्ट टू में हम देखेंगे सोलकेन गायरे ऑफ द सरब्रम के बारे में। ओके सो आपको सोलकेन गायरे याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ओनली ए याद रखना है कि जो हमारी ए वाली है उसको हम कहते हैं सल्काई, एंड जो हमारी जो इस दोनों के साइड ग्रूव होगा उसको हम कहते हैं गायरे। ओके सो हमारी जो है लाइनिंग है उसको हम कहते हैं सल्कस, एंड जो ग्रूव होगी उसको हम कहते हैं गायरे। ओके सो हमारी जो सेंट्रल यानी कि जो हमारी ये सेंटर होगा ना, ये सेंटर होगा ना, तो हमारी ये होगी सेंट्रल सल्कस। ओके और सेंटर की आगे की जो होगी आगे की उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल, एंड जो पीछे की होगी उसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल। ओके सो ये हो गई हमारी पोस्ट सेंट्रल। ओके सो सेंट्रल की जो आगे की होगी उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, जो पीछे की होगी सेंट्रल की पीछे की उसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ओके देनम ये तो हमारा पराइटल लोब हो गया। ओके देनम इसके बारे में बात करें फ्रंटल लोब में, सो हमारा इतना फ्रंटल लोब था ना, सो हम फ्रंटल लोब के बारे में बात करेंगे। देनम बात करेंगे टेम्पोरल लोब के बारे में, देनम बात करेंगे हमारी ए ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। ओके सो ऑक्सीपिटल लोब के बारे में, सो हम देनम बात करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। सो हमारी ए वाली है ए सुपीरियर साइड है फ्रंटल की, एंड जो ए हमारी है वो फ्रंटल में ही इन्फीरियर साइड है। ओके सो ये हमारी सुपीरियर साइड है एंड ए हमारी इन्फीरियर साइड है। ओके सो इसको हम क्या कहेंगे सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एंड इसको हम कहेंगे इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ओके सो ये हमारी हो गई सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, सो ये हमारी क्या हो गई सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एंड जो ए हमारी इन्फीरियर है और फ्रंटल लोब है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ओके सो ये हमारी होगी इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ओके सो हमारी फ्रंटल लोब में ए सुपीरियर साइड इसलिए हम उसको कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एंड हमारी ए इन्फीरियर साइड इसलिए हम उसको कहते हैं इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ओके फिर हम इस दोनों की बात करें, सो हमारी इस दोनों के बारे में बात करें, सो ए हमारी क्या है, ए हमारी है पोस्ट ट्राइंगुलरिस एंड आप कह दीजिए पार्ट ऑर्बिटालिस। ओके सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लास्ट में, फिर हम बात कर लेते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। सो टेम्पोरल लोब में हमारी ये दो सल्कस है, और दो सल्कस में ए वाली है हमारी इन्फीरियर साइड है एंड ए वाली हमारी सुपीरियर साइड है। ओके ये हमारी सुपीरियर साइड है और ये हमारी इन्फीरियर साइड है। ओके सो हमारी सुपीरियर साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सॉरी सल्कस, ये हमारी सल्कस है ना, सो हम इसको क्या कहेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। ओके क्योंकि ये हमारा टेम्पोरल लोब है। ओके सो आपको लोब को तो पता है ना, सो ये हमारी फ्रंटल लोब है, देन ये हमारी ऑक्सीपिटल लोब हो गई, देन ये हमारी होगी सॉरी ये हमारी होगी पराइटल लोब, देन ये हमारी हो गई ऑक्सीपिटल लोब इतनी, एंड ये हमारी होगी टेम्पोरल लोब। सो आपको यहाँ पर फ्रंटल बोन प्रेजेंट होता है इसलिए हम उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, देन यहाँ पर हमारी पराइटल दो बोन होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके सो इसको हम कहते हैं पराइटल लोब, एंड देन हमारा यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है वो प्रेजेंट होता है इसलिए हम उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, देन हमारा यहाँ पर टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होता है इसलिए हम उसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। ओके सो ये फोर लोब आपको पता होना चाहिए तो भी आपको सल्कस एंड गायरे की नाम याद रहेगी। ओके सो ये हमारी टेम्पोरल लोब में सुपीरियर है इसलिए हम इसको कहेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, ने हमारी इन्फीरियर है इसलिए इसको हम कहेंगे इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। ओके सो हम नाम निर्देश कर देते हैं, सो ये वाली हमारी हो गई सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, एंड ए वाली हमारी हो गई इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। ओके देन हम ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बात करेंगे, सो हमारी ऑक्सीपिटल लोब में मेनली टू है, उसमें से आपको याद रखनी पड़ेगी इसको हम कहते हैं ल्यूनेट सल्कस, इसको हम क्या कहते हैं ल्यूनेट सल्कस। ओके सो ए हमारी हो गई ल्यूनेट सल्कस, एंड जो ए हमारी है वो लेटरल साइड है। ओके ऑक्सीपिटल बोन में लेटरल साइड है, ये हमारी मिडिल साइड होगी और ये हमारी लेटरल साइड, सो इसको हम क्या कहेंगे लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके सो इसको हम कहते हैं लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके सो हमारी ए वाली हो गई ल्यूनेट सल्कस, एंड ए वाली हमारी होगी लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस। देन आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क है, इस सल्कस को हम क्या कहते हैं। ओके सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देन हम ऑक्सीपिटल लोब एंड हमारी जो पराइटल लोब है उस दोनों के बीच में एक
सल्कस है उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरपराइटल सल्कस। ओके सो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपराइटल सल्कस, सॉरी इंटरपराइटल सल्कस। जो हमारी इंटरपराइटल सल्कस है वो यहाँ से हमारी टेम्पोरल बोन एंड सॉरी टेम्पोरल नहीं बट आप ऑक्सीपिटल एंड जो पराइटल है उस दोनों को डिवाइड करेगी और यहाँ पर एक गायरस भी होगी उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो पराइटो ऑक्सीपिटल गायरस। ओके और यहाँ ये वाली है जो हमारी है उसको हम कहते हैं पराइटो ऑक्सीपिटल, पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके सो ये हमारी जो पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है ना ये वाली, ये डिवाइड करेगी हमारी पराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से। ओके सो इतना हमारा हो गया, ये वाला हो गया हमारा ऑक्सीपिटल लोब एंड इससे अबो होगा हमारा पराइटल लोब। ओके सो ये हो गया हमारी जो पराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब है उस दोनों को डिवाइड करेगी हमारी पॉजिटिव ऑक्सीपिटल सल्कस एंड रेयर मात्रा में हमारी जो करेगी इंटरपराइटल सल्कस, लेकिन मोस्टली सेपरेट करेगी ऑक्सीपिटल एंड पराइटल लोब को पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके सो आपको ये याद रखनी है क्योंकि वाइवा में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके देन हम बात करेंगे इस दोनों के बारे में। सो इस दोनों कुछ भी नहीं है, जो हमारी ए वाली है ना इसको हम क्या कहते हैं पराइटो रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। सो इसको हम कहते हैं पराइटल रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। सो हमारी लेटरल सल्कस से जो पराइटल रेमस है, पराइटल रेमस ऑफ लेटरल सल्कस, उसमें से दो रेमस निकलती है उसको हम कहते हैं एसेंडिंग रेमस ऑफ लेटरल सल्कस एंड एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो इस दोनों को हम बेसिकली क्या कहेंगे, सो इसको हम कहेंगे फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली। ओके सो फर्स्ट वाली को हम कहेंगे एसेंडिंग रेमस ऑफ लेटरल सल्कस, रेमस ऑफ ALS मीन्स लेटरल सल्कस। ओके यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। देन ए वाली है इसको हम कहेंगे एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो हमारी जो पराइटल रेमस ऑफ लेटरल सल्कस है वो दो रेमस में डिवाइड होती है, दो ब्रांच बनाती है, उसमें से फर्स्ट है हमारी एसेंडिंग रेमस ऑफ लेटरल सल्कस एंड सेकंड वाली है हमारी वो हो गई हमारी एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो ये हमारी हो गई सल्काई। सो हमारी ये सल्काई की फिगर है। सो हम फर्स्ट सल्काई के बारे में देख लेते हैं जो हमारी सेंटर में है इसलिए उसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस, और सेंटर के सेंट्रल सल्कस के जो आगे है उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, प्री का मतलब आगे। ओके देन हमारी सेंट्रल के पीछे है उसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ओके देन हम बात करें फ्रंटल लोब के बारे में। सो फ्रंटल लोब में दो है, उसमें से ए वाली सुपीरियर है एंड ए वाली इन्फीरियर है, और फ्रंटल लोब है इसलिए इसको हम कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड इसको हम कहते हैं इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ओके देन हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। उनसे पहले हमारी जो पराइटल में है एक सल्कस हम भूल गए थे, वो है हमारी इंटरपराइटल सल्कस। जो हमारी पराइटल सल्कस पराइटल लोब में इंटर होगी उसको हम कहते हैं इंटरपराइटल सल्कस। देन हमारी जो पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो डिवाइड करती है पराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को। ओके देन हम बात करें हमारी ऑक्सीपिटल लोब में दो सल्कस है, उसमें से फर्स्ट हमारी लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस जो लेटरल साइड है एंड हमारी ये वाली हो गई ल्यूनेट सल्कस। ओके वो दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और ये वाली कौन सी है उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। देन हमारी जो ये फ्रंट टेम्पोरल लोब में दो थी, उसमें से फर्स्ट थी हमारी ए वाली सुपीरियर है और ए वाली इन्फीरियर है। ओके सो ए वाली सुपीरियर है उसको हम क्या कहेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब में है ना इसलिए। देन हमारी ए वाली इन्फीरियर है और टेम्पोरल लोब में है इसलिए उसको हम कहेंगे इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। देन हमारी ए वाली है इसको हम कहते हैं ए वाली है ना इसको हम कहते हैं पराइटल रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो हमारी ये क्या है पराइटल रेमस ऑफ लेटरल सल्कस, और वो दो ब्रांच में डिवाइड होती है, उसमें से फर्स्ट है हमारी एसेंडिंग रेमस ऑफ लेटरल सल्कस एंड सेकंड वाली है हमारी एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो ये दोनों में से फर्स्ट क्या है एसेंडिंग रेमस ऑफ लेटरल सल्कस एंड सेकंड है हमारी ब्रांच उसको हम कहते हैं एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ओके सो हमारी सल्का यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देन हम बात करेंगे गायरई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो आपको
डिफरेंट सेपरेट फिगर बनानी है सल्के एंड गैरे की तो भी आप बना सकते हो, और एक में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो. ओके सो थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में गायराई ऑब्डो सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे.